हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रैखिक समीकरणों। इसके अंदर हमारे दो चर होंगे का आलेख खींचने की क्रियाविधि देखने वाले हैं। क्या उसका वर्किंग मेथड क्या है? तो वर्किंग मेथड टू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम उसका वर्किंग मेथड देखने वाले हैं जिसके अंदर हमारे दो वेरिएबल आते हैं लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि किस तरह उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तो था उसका एग्जाम्पल जिस तरह हमने सोल्व करा। ये यहाँ से जो दिखाया था मैंने आपको एग्जाम्पल देकर, इसके हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यू निकाली थी, फाइंड आउट की थी। फिर उसकी कॉरस्पेंडेंस हमने वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। उसके बाद हमने एक टेबल के फॉर्म में एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ इसमें रखा। उसके बाद हमने जो हमारा ग्राफ है या जिसको हम बोले आलेख, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था और ये लाइन हमने प्लॉट की थी। ठीक है, अब इसका वर्किंग मेथड क्या है करने का, तो अब आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन को हमने इससे इस फॉर्म में लिखना है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस सी अपॉन बी बाहर है माइनस। अब ये किस तरह से लिखा गया, ये इस तरह से लिखा गया है प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, आपको लिखना है वाई के रूप में। तो वाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उधर आपने इसको सी को उधर पूछा है। ठीक है, अब ए एक्स इधर प्लस का है, ये भी उधर आके माइनस का हो गया ए एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका बी वाई बचा हुआ है, तो ये हो गया। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि बी वाई इक्वल टू माइनस है, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो सी प्लस ए एक्स। ठीक है, या फिर बी वाई इक्वल टू माइनस का ए एक्स मैंने पहले लिख लिया और सी बाद में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू जो यहाँ पर बी एस की गुणांक में है या गुना में है, तो गुना वाली चीज़ जाती है हमारी भाग में या फिर डिवीजन में। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी है अपॉन बी। ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ से मिलता है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही काम किया है, देखो वाई इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस बी, ये बाहर माइनस अपॉन बी के रूप में लिखते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, अब x को अलग अलग पूर्णांक इंटीजर मान देकर y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू हमें जीरो से लेके ले सकते हैं, हम वन से ले सकते हैं, दो से ले सकते हैं, या फिर माइनस की तरफ जा सकते हैं, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री। आपको एटलीस्ट थ्री टू फाइव वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तीन से पाँच वैल्यू आपको निकालनी होती है। और ध्यान रखना, जो एक्स की वैल्यू आप उसके अंदर पुट करते हो वो पूर्णांक या इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं क्या पॉइंटों में लग के निकाल रहे हो, जैसे 3.5, 2.5, माइनस का 1.5, 1.3 ऐसे। तो आप उसको कोशिश करना कि आप पूर्णांक के इंटीजर में वैल्यू देकर वाई की वैल्यू ज्ञात करते हो। ठीक है, तो एक्स के डिफरेंट वैल्यू लेनी है हमें, देन उसके कॉरस्पेंड हमें वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, सपोज दैट अगर आपने एक्स की वैल्यू ली वन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया होगा और उस टाइम आपने एक्स की वैल्यू ले ली वन, देन आपने यहाँ पुट करना है एक्स की वैल्यू वन और जो ए और बी सी की वैल्यू वहाँ पर दी होगी इक्वेशन में, दैन उसके कॉरस्पॉन्ड आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको, एक्स के मान को भुज या जिसको बोले एब्सिसा या तथा वाई के मान को कोटि, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, मानकर इन मानों को बिंदु के निर्देशांक जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्स और वाई की वैल्यू आती रहेगी हमारी, ये वाली जो हम एक्स इक्वल टू वन पुट करा, माइनस वन पुट करा, और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, भुज, इनको बोलते हैं इनमें एब्सिसा, और वाई की जो वैल्यू आती है उनको बोलते हैं कोटि, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी आपके पास, उनको हम एक निर्देशांक बनाएंगे एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब सपोज दैट आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई टू और वाई की वैल्यू आ गई माइनस का थ्री। ठीक है, अब आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो आपको इस फॉर्म के लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स और वाई इक्वल टू लिखना होगा आपको दो माइनस का थ्री, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, वाई की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी माइनस का थ्री। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, इस प्रकार प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित या प्लॉट करके मिलाने पर हमें एक समीकरण का आलेख प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और उसको इस फॉर्म में हमने ड्रॉ भी कर दिया, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें एक अपना ग्राफ बनाना है। या तो आप उसको एक ग्राफ पेपर भी बना सकते हो, या फिर आपको लाइनिंग वाली, अगर आपके पास ये वाली नोटबुक है तो आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट
बातें हो रहा है कि इस समीकरण के बारे में, वो हम देखने वाले हैं कि वो क्या क्या पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उसके बारे में। तो हम देख लेते हैं अब किस कुछ इम्पोर्टेंट वही पॉइंट क्या है जो हमें ग्राफ बनाते वक्त हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि रैखिक समीकरण, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो का आलेख या ग्राफ सदैव एक लाइन या रेखा होती है। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो हमेशा वो क्या आएगी कि लाइन आएगी आपकी। अगर आपकी वो लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने किस उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं गलती की हुई है। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई के एटलीस्ट या कम से कम दो मान युग्मों की आवश्यकता होगी, यानी कि एक्स और वाई के हमें कम से कम दो मान तो चाहिए ही, या उसकी दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस समीकरण के लिए। ठीक है, तभी हम उस लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे या प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, ग्राफ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो के आलेख या ग्राफ का प्रत्येक बिंदु, यानी कि एक्स और वाई की एवरी पॉइंट इस समीकरण का एक हल या सॉल्यूशन होगा। अगर आप इस समीकरण के या इस इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ रही है, अगर आप उस वैल्यू को इस समीकरण या के अंदर पुट करोगे तो इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी मान लो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास कुछ आएगी फाइंड आउट करने के बाद और आपने इसके अंदर पुट कर दी, तो इधर जो भी आपकी वैल्यू होगी, मान के चलो यहाँ पर जीरो है तो इधर आपको जीरो बनना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो वैल्यू आई है एक्स और वाई की, तो उसको क्या है, एक सॉल्यूशन। अगर वो वैल्यू आपकी जीरो नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि यहाँ पर जीरो ना हो, सी इधर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो हम जो वैल्यू फिर आएगी हमारी एक्स और वाई की यहाँ पर पुट अप करने के बाद और ए और बी के साथ में उनकी गुणा करने के साथ में, ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी सी के इक्वल, जो कि सी को इक्वल आनी चाहिए। अगर वो सी के इक्वल भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, फिर हमने कहीं ना कहीं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने फाइंड आउट करने में गलती की हुई है। ठीक है, फिर हमें चेक करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण के आलेख ग्राफ पर स्थित कोई बिंदु है तो एक्स अल्फा व वाई बीटा इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि पी अल्फा बीटा एक समीकरण के आलेख ग्राफ पर कोई स्थित बिंदु, वो बिंदु क्या है, आपको मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। जैसे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, थीके? अब इसकी क्या है, ये पॉइंट है पी पी पी, यानी कि अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, ये वैल्यू जो आ रही है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि पी अल्फा और बीटा है, अगर मैं यही वैल्यू दिए हुए समीकरण या इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, ये एक्स है ये वाई है, अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एक्स और वाई की, अगर ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या हो कह सकते हैं कि ये समीकरण का क्या एक हल है या फिर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें वर्किंग या फिर वर्किंग करते समय या किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें क्या याद रखनी है। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई सी बातों को अगर भूल जाते हो या फिर उनको फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन रॉन्ग वे में जा रहा है आपका क्वेश्चन, या फिर वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पॉइंट, ये तीनों जो पॉइंट हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, इसी के अंदर इसी वीडियो में कंटिन्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी क्या होता है, इफ़ वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, यदि हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन है या फिर रैखिक समीकरण है। ठीक है, कौन कौन सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यहाँ दो तीन पॉइंट लिखे हैं मैंने, वो क्या क्या है, अगर दोनों रेखाएं, यानी कि ये दोनों समीकरण, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो, या उसका मतलब क्या, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो उसका डायग्राम क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाते हो तो, यानी कि प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, इंटरसेक्ट, तो उसका डायग्राम क्या होगा, जब आप ग्राफिया या जियोग्राफ, आप जो ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती या फिर
इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब वे दोनों क्या है, समांतर है या पैरेलल है। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसा हो सकता है आपका? ठीक है, ये एग्जांपल वन हो गया, ये एग्जांपल सेकंड का हो गया। ठीक है, ये क्या आपका पैरेलल, जो को आप एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही या फिर क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपका पैरेलल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, दोनों रेखाएं समपाती है, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना। ठीक है, मान लो ये पहली लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी पर ड्रॉ हो गई। जब आप ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दूसरी लाइन भी इसी पर रिप्रेजेंट होगी। इसका एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जब आपका वॉच होता है, जो घड़ी होती है आपकी, कभी कभार जो हमारी घंटे वाली मिनट वाली सुई एक साथ एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, संपाती है, वो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। और जो रेखा की बात करी है मैंने कि दोनों रेखाएँ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, रेखाएँ कौन सी जो इन समीकरण को हल करने के बाद मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं रेखाएं। ठीक है, अब रेखा की यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई थी, मैंने आपको बता दी है, अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला डायग्राम या ग्राफ आपका ड्रॉ होगा, प्लॉट होगा, या अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है अर्थात वे क्या है, पैरेलल है या समांतर है, तो ये वाला डायग्राम आपका ड्रॉ होगा। अगर दोनों रेखाएं क्या है, संपाती है या फिर कोइंसिडेंट है, तो आपका ये वाला डायग्राम शो होगा आपके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेथड क्या है, एक तो हम एलजेब्रिक लगा सकते हैं उसके अंदर तथा, और या फिर दूसरा कौन सा है, जो हमारा जियोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम दोनों मेथड यूज़ करते हैं। जैसे अगर देखो आप इसको कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो आपका वो क्या है, एलजेब्रिक या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजगणितीय मेथड। ठीक है, और जो आप इसको ग्राफ बना रहे हो, ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यामिति या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको ज्योमेट्री। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमारा बीजगणित हो गया, दूसरा ज्यामिति है। ठीक है।